हे गाइस, दिस इज जानवी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन जानवीज कॉर्नर। तो फाइनली 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 मैं ये वीडियो लेके आ गई हूँ। बहुत लोगों के ये क्वेश्चन थे कि आप वीडियो एडिट कैसे करती हूँ, तो मैंने सोचा मैं वीडियो के थ्रू ही आपके साथ शेयर करती हूँ दैट हाउ आई एडिट माई यूट्यूब वीडियोज। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं जिस ऐप का यूज करती हूँ वो है वीटा ऐप। इसमें कोई ऐसी वाटर मार्क की भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी एडिटिंग। ये हमने अपनी ऐप खोली। सबसे ऊपर आपको ऐप में न्यू प्रोजेक्ट का साइन आएगा, आप इसको क्लिक करेंगे। फिर आपको जो भी वीडियो और फोटोज चाहिए हम उसको सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास एक फोल्डर ये लेंगे ठीक है। आपको जो भी आपकी फोटो, अभी मेरे पास लेटेस्ट मैंने दिवाली ब्लॉग बनाया था उनका, उसकी क्लिप्स हैं तो मैं वही ले रही हूँ ठीक है। साइड में ब्लू एरो दिखेगा, क्लिक कर देंगे, ओके हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई हैं, हमें जो वीडियोस चाहिए तो ये वीडियोस आ गई हमारे पास। बहुत ही अनफिल्टर्ड वीडियो होने वाला है ये। बेसिकली कैसे मैं एडिट करती हूँ मैं बस वही बताऊंगी। बहुत ही बेसिक सी एडिटिंग है ठीक है। ये ले लिया। कई बार होता क्या है ना कि हम लोग जब वीडियो बनाते हैं तो बहुत सारे बैकग्राउंड में साउंड्स आ गए जो हमें मेन वीडियो में नहीं चाहिए। जैसे अभी मैं बना रही हूँ तो कभी गाड़ी का साउंड, कभी कुछ, तो वो हमें मेन वीडियो में नहीं चाहिए, तो हम उसको एडिट कर देते हैं। या कुछ ऐसे कोई वीडियो में ऐसा कैप्चर हो गया जो कम्फर्टेबल नहीं है कि वो वीडियो में आए, है ना। तो बहुत सारी ऐसे मतलब चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं दिखाना है मेन वीडियो में, तो हम उसे डिलीट करेंगे ठीक है। तो अभी जैसे सेलेक्ट किया तो सबसे पहले हम स्प्लिट एंड डिलीट का ही ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो हमें जैसे कि नहीं चाहिए ठीक है, अभी ये पार्ट नहीं चाहिए तो स्प्लिट किया ठीक है, और जो नहीं चाहिए स्प्लिट करो और ये चीज़ डिलीट कर दो ठीक है। तो स्प्लिट एंड डिलीट करके हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हटा देंगे जो भी हमें नहीं चाहिए। स्प्लिट डिलीट, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम नहीं हटा सकते हैं अगर कुछ एक बार कैप्चर हो गया या बीच से नहीं हटा सकते, ऐसा नहीं है। आप आराम से आपको जो भी डिलीट करना है आप कर सकते हैं ठीक है। तो ये है हमारा स्प्लिट एंड डिलीट का। इससे क्या है कि हमें एक फ्रेश वीडियो मिल जाएगा, जितना हमें हटाना है जितना रखना है वो हम लेके रख देंगे ठीक है। अब देखो मैं जा रही हूँ कैमरे से, तो इसको हटाएंगे ना ठीक है। लास्ट में देखिए कैमरे के पास आ रहे हैं, अभी स्प्लिट किया और डिलीट कर दिया ठीक है। तो ये हमारा फ्रेश वीडियो निकल के आ गया है जो हमें एग्जैक्टली चाहिए ठीक है। अभी देखिए क्या करना है। अभी क्या करती हूँ मैं कि जो जहाँ से हमने स्प्लिट किया है, वीडियो को कट किया है बीच से, तो इस पर हम इफेक्ट लगा देंगे ताकि वीडियो ना थोड़ा मैसी ना लगे। तो बहुत ही छोटा छोटा कुछ लगाएंगे इफेक्ट, जैसे राइट ऐसे वाला है तो इसको बस 1 सेकेंड का लगा देंगे ठीक है। 1 सेकेंड का लगा दिया, देखिए अब ऐसे आएगा थोड़ा सा बस ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे लगाए थे वहाँ वहाँ पे हम ऐसे कर देंगे कोई। आपको अगर कुछ और कोई डिफरेंट इफेक्ट यूज करना है आप कर सकते हैं, बहुत सारे इफेक्ट इसमें दिए हुए हैं ठीक है। देखिए अभी ऐसे आएगा, ठीक है ऐसे आप कर लेंगे ठीक है। सेकेंड नंबर पे अगर आपको अपने वीडियो पे स्टार्टिंग में जैसे कुछ कहीं का कुछ इंस्टा हैंडल है, फेसबुक हैंडल है, कुछ मेंशन करना है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। स्टिकर पे जाके हम आराम से उसको मेंशन कर लेंगे। ये आपको अगर कुछ यहाँ से लेना है तो आप इंपोर्ट भी कर सकते हो, गैलरी में से भी ले सकते हो। मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यूज़ किया हुआ है तो ये है, जैसे कि मुझे यहाँ पे लगाना है ठीक है। ठीक है अगर आपको यहाँ पे इंस्टा हैंडल यूज़ करना है तो ये मैंने पिंट्रस्ट से पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना इंस्टा हैंडल मेंशन कर देती हूँ। आप चाहें तो स्टिकर्स का भी यूज कर सकते हैं ठीक है। ये हमारा मेंशन हो गया ठीक है। एनिमेशन भी लगा लेंगे ठीक है, ये हो गया ठीक है। हमको इस पे भी एनिमेशन चाहिए तो हम ऐसे एनिमेशन लगा लेंगे। साउंड चाहिए हमें
क्योंकि आप कोई भी पिक्चर या कुछ भी ऐड कर रहे हो तो आई थिंक एक साउंड उसके साथ आना चाहिए। देखिए कैसे आएगा। ठीक है तो हम ऐसे मेंशन कर लेंगे। और अगर हमें यहाँ पे इंट्रो में अपना कुछ लगाना है लाइक, तो ये प्लस में जाके जो ये प्लस दिया हुआ है, ठीक है मेरे पास मेरे जानवीज कॉर्नर की बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ठीक है जैसे मुझे अपने चैनल का ये लगाना है ना, अब यहाँ पे आ गया, हमें स्टार्टिंग में लगाना तो हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे सिंपल। ठीक है यहाँ पे प्लस करके ये यहाँ पे हमने ऐड कर लिया तो ये। ठीक है कोई क्लिप लगानी है तो यहीं पे आप प्लस करके आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, कोई भी क्लिप अगर आपको ऐड करनी है। ये आपको मिल गया। ठीक है साउंड लगाना है, साउंड में जाएंगे। म्यूजिक चाहिए अगर आपको डिवाइस से कुछ चाहिए आप लगा सकते हो। ठीक है अभी क्योंकि मैं यूट्यूब पे यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से लेती हूँ तो ये म्यूजिक। अगर यूट्यूब के लिए आपको म्यूजिक यूज करना है तो कोशिश करिए कि यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी का म्यूजिक यूज करिए ताकि कॉपीराइट का इशू आपको फ्यूचर में ना फेस करना पड़े। ये आपको जैसे भी एडजस्ट करना है आप कर सकते हैं। उसका साउंड बढ़ाना है बढ़ा लो आप साउंड। ठीक है ये ऐसे आ जाएगा। इसका आप साउंड भी कम ज़्यादा कर सकते हो, इसको अपने अकॉर्डिंगली स्प्लिट एंड डिलीट भी कर सकते हो। सेट करना है या म्यूजिक थोड़ा सा आ रहा है, ठीक है इसके आगे आप म्यूजिक ऐड भी कर सकते हो दूसरा। ठीक है जैसे ये गाना यहीं पे ख़त्म हो गया आपको प्लस करना है, अगेन आप यहीं से म्यूजिक प्रोसेस करके दोबारा आप लगा सकते हो इसके आगे। ठीक है इसका भी एक आता है फेड, ठीक है इन एंड आउट पे थोड़ा सा स्लो फ्लो हो जाता है तो वो भी आप कर सकते हो। तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। साउंड में एक सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन ये है कि आप रिकॉर्ड करके भी डाल सकते हो। जैसे रिकॉर्ड है वो आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपको कई बार होता है कि हमें वॉइस ओवर डालना होता है, हमें अपनी आवाज़ में बोल के कुछ डालना होता है। ठीक है तो वो हम रिकॉर्ड का यूज़ करके हम अपनी आवाज़ में भी डाल सकते हैं। ठीक है अब जैसे वीडियोज़ की स्पीड तेज़ और धीमी अगर करनी है, जैसे स्पीड है ना तो ये कर्व में आएगी। कर्व में क्या है कि कभी तेज़ कभी धीमा है ना, कभी बहुत तेज, तो इस तरीके का भी यूज कर सकते हो। जैसे मैं इसका यूज करती हूँ तो देखो क्या क्या है ना, तो ये चीज़ आपको ऐसा चाहिए स्पीड तो आप इसमें से चेंज कर सकते हो। ठीक है और सिंपल स्पीड बढ़ानी घटानी है तो आप इससे 2x 6x माइनस में भी कर सकते हो, तो ये आपको स्पीड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं इसमें कभी कभी ये रोलेट वगैरह यूज़ कर लेती हूँ जब मुझे थोड़ा सा तेज़ धीमा या कुछ शॉर्ट्स में करती हूँ बेसिकली, क्योंकि उसमें शॉर्ट्स में क्या होता है ना कि हमारा 1 मिनट का वीडियो होता है तो उसको हमें थोड़ा एडजस्ट करना होता है। अगर थोड़ा सा लंबा बन गया तो स्पीड की हेल्प लेके हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं। टेक्स्ट ऐड करना है कुछ भी आराम से ऐड कर लो, आपको कुछ भी लिखना है। गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है तो अभी स्टाइल में आप कुछ भी ले सकते हो, कोई भी कलर, या जो मैं लेती हूँ हमारा सेम ये वाला फॉन्ट हो जाता है और हम येलो से लिख देते हैं। अगर एनिमेशन डालना है तो हम डाल देते हैं ऐसे, तो ये ऐसे इसको आपको जहाँ भी लगाना है, जहाँ कोने में इधर उधर जहाँ प्लेस करना है और जिस साइज में प्लेस करना है आप कर सकते हैं। ठीक है ये एक चीज़ हो गई। स्टिकर कोई भी चाहिए, कहीं पे भी कोई भी स्टिकर ऐड करना है आप स्टिकर से ऐड कर लेंगे। ठीक है हार्ड चाहिए कहीं पे भी लगाना है आप इसको ऐसे से शिफ्ट करके आप लगा लेंगे। ठीक है सबसे मेन ऑप्शन है ये PIP का। PIP पे गए, आपको जो भी फोटो वीडियो चाहिए है ना, कुछ अगर ऐसा है जस्ट लाइक कि कभी कभी होता है ना कि एक वीडियो के साथ हमें दूसरा फोटो या वीडियो चाहिए होता है, जैसे हमें ये चाहिए अभी। ठीक है तो जैसे ये आ रहा है और साइड में ये फोटो भी हमें चाहिए कि स्क्रीन पर ये भी आता जाए, तो हम ऐसे ऐसे लगा लेंगे। ठीक है देखिए साइज आप डिलीट भी कर सकते हैं, ब्लेंड कर सकते हैं इसको। ठीक है ऐसे हल्का हल्का भी, मतलब ब्लेंडिंग में यही सब हो जाएगा। ठीक है बहुत ही लाइट लाइट ऐसा आता रहेगा, बहुत सारे ऑप्शन है। नहीं चाहिए आप सिंपली डिलीट कर दीजिए। डिलीट ठीक है। इफ़ेक्ट में आप इफ़ेक्ट लगा सकते हैं जहाँ पे भी आप जैसे चाहिए, या आप जहाँ पे जैसे लगाओगे आपका हो मतलब मूविंग वीडियो लगती है, अच्छी लगती है। मैं इसका भी काफ़ी टाइम यूज़ करती हूँ स्लाइड डाउन में। बना रहे होते ना तो कैमरा कोई मूव करने वाला तो होता नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ
वो आप पे है, अगर आप यूज करना चाहें तो यूज करें, ठीक है। अगर कोई पार्ट ऐसा आ गया जो आपको नहीं दिखाना है, जैसे कहीं कुछ बाइक का नंबर है, कार का नंबर है, घर का एड्रेस है, अगर आपको हाइड करना है तो ये आपको ब्लर का ऑप्शन देते हैं, ठीक है। तो जैसे मुझे बाइक हाइड करनी है, ठीक है, तो ये हम ब्लर डाल देंगे आप, ठीक है। ये स्कूटी हाइड करनी है, हम ब्लर डाल देंगे, और जितनी देर तक चाहिए वो आप उसको कम ज़्यादा, अगेन वही चीज़ है। तो ये आपका हो गया ब्लर का ऑप्शन, डिलीट करना चाहें डिलीट कर दें। फिल्टर, कोई भी अगर आपको इफ़ेक्ट या फिल्टर डालने हैं तो आप ये फिल्टर की हेल्प लेके डाल सकते हैं। मैं थोड़ा कम यूज़ करती हूँ उसको, साउंड मैंने बता ही दिया है आपको। यहाँ पे भी म्यूज़िक लगाना है, आप जा सकते हो सिंपली साउंड में गए, ठीक है, म्यूज़िक में। मैंने चूँकि अगेन यूट्यूब लाइब्रेरी से रखी हुई है डाउनलोड करके, तो ये हमने यहाँ पे लगा, हमें बहुत कम आवाज़ चाहिए तो हमने उस तरीके से लगा लिया है, ठीक है। लास्ट में अगर आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब चाहिए, आप स्टिकर पे जाओ, और आपको जो भी स्टिकर चाहिए है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको लगाना है, आप लगा लो। लास्ट में मुझे कोई पेज जैसे ऐड करना है तो हम वो भी ऐड कर सकते हैं। जाइए अपने गैलरी में और जो भी आपको चाहिए, जैसे मुझे चाहिए, ठीक है, मुझे ये चाहिए, तो अभी मैंने ये ऐड कर लिया। तो ये आपके मेन तो चीज़ें मैंने बता दी हैं, ठीक है। जब सब कुछ हो जाए आपका पूरा फुल्ली एडिट है, तो ये आपको ऊपर कॉर्नर में राइट हैंड साइड पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, आप एक्सपोर्ट पे जाइए और आप सेव कर लो आराम से गैलरी में वीडियो। एक्सपोर्ट करने में कभी कभी प्रॉब्लम हुई है, टाइम लगी, लेकिन जैसे ही मैंने अपडेट की है ऐप वगैरह तो वो सही हो गई है, तो मेरा तो अभी काम इसी से चल जा रहा है। तो यार दिस इज़ हाउ आई एडिट माई वीडियो, एंड आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और मैंने भी आप सबके साथ अच्छे से शेयर किया होगा। कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो गाइज ये था हमारा वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आया है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल विच इज जानवी'स कॉर्नर। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज।